जानकारी, देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। बता दें देश में कुल मरीजों की संख्या 113 तक पहुंच गई है, 113 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की एंट्री जो है वो यहां पर हो गई है और जानकारी है कि गाजियाबाद में 2 मरीज जो है वो मिले हैं। तो देश में कुल मरीजों की संख्या 113 हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की एंट्री यहां पर हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं। तो महाराष्ट्र में 40 सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज जो है वो मिले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में 17, कर्नाटक में 8 हुए मरीज, तेलंगाना में 8, केरल में 7, गुजरात में 5। तो देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन का खतरा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी लगातार जो ओमिक्रॉन के नए मामले हैं वो यहां पर एकाएक बढ़ रहे हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो लगातार कोरोना के जो मामले हैं उसमें यहां पर इजाफा हो रहा है। हैदर अली संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ और अमजद हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख गाजियाबाद का करेंगे हैदर, क्योंकि अब 2 नए मामले उत्तर प्रदेश में भी अब एंट्री हो गई ओमिक्रॉन वायरस की और 2 नए मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं। प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं? देखिए अंजलि, अगर गाजियाबाद की बात की जाए जहां प्रशासन पहले से ही मुस्तैदी दिखाते हुए कह रहा था कि हमने ओमिक्रॉन को लेकर पहले से ही सतर्कता बरत रखी है, लेकिन 2 जो पॉजिटिव केस मिले हैं ओमिक्रॉन के, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और राजस्थान से घूम कर आए थे। जो 29 नवंबर को यहां आने के बाद प्रशासन ने जब इनकी जांच कराई तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि शुक्रवार की रात को ही ये रिपोर्ट आई है जिसके बाद ही ये पॉजिटिव हुई हो पाई है। हालांकि प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन अब भी यही कह रहा है कि उन्होंने जब यहाँ पर कोरोना के कोई लक्षण उन दोनों दंपत्ति के, बुजुर्ग दंपत्ति के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, वहीं उनके साथ जितने भी संपर्क में आए हुए 34 लोग थे उनकी जांच कराई गई है, वो भी नेगेटिव पाए गए हैं। वहीं प्रशासन ये कह रहा है कि अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने सर्विस कमांड सेंटर जो है अपना एक्टिव कर रखा है। बाहर से आने वाले लोगों को और जाने वाले लोग जो है उनको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए, हालांकि अंजलि गाजियाबाद में जगह जगह बिगैर मास्क की चेकिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग बिगैर मास्क से घूम रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उसको भी खुद सोचना चाहिए कि ओमिक्रॉन को लेकर जब सरकार बराबर उन्हें सतर्क कर रही है, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो शादी समारोह हो या उसके अलावा जितनी भी रैली वगैरह जो राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी के हो रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं, उसे भी लोग बिगैर मास्क से घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जब संपर्क में आने के बाद ओमिक्रॉन को गाजियाबाद में सबसे पहले पुष्टि हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर 2 की। चलिए अभी 2 की पुष्टि यहाँ पर हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क बना हुआ है। अमजद हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अमजद, अब महाराष्ट्र का तो ये हाल है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं, यहां तक कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके की व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है? ठीक है, अगर मुंबई की बात करो और महाराष्ट्र, ओमिक्रॉन का जो खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 40 पेशेंट हो चुके हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और अगर कल की ही बात करें तो कल तकरीबन 8 पेशेंट जो है ओमिक्रॉन के सामने आए, 6 पुणे से, 1 मुंबई से और 1 कल्याण से। ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार महाराष्ट्र के अंदर बढ़ता जा रहा है, और जितने भी विदेशी की फ्लाइट है वो जो मुंबई आ रही है या महाराष्ट्र आ रही है, और वहां पर तमाम लोगों की जो टेस्ट कराए जा रहे हैं उसके अंदर से ये जो 8 नागरिक मिले हैं ये भी विदेश से कहीं ना कहीं आए हुए थे। पूना के अंदर जो डॉक्टर्स मिले हैं वो हालांकि 3 फाइजर की वैक्सीन भी लगा चुके हैं, फिर भी ओमिक्रॉन उनके अंदर पाया गया है। अगर ओमिक्रॉन का खतरा ऐसे ही लगातार बढ़ता जाएगा तो मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि कोविड-19 के जो केस थे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर से, अगर मौत का भी आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही था। तो ओमिक्रॉन को लेकर सरकार जो है वो सतर्क है, 144 लगा दी गई है। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो बच्चों की स्कूल है उन्हें खोल दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर खोला गया है, 50% कैपेसिटी, और बीएमसी साफ तौर पर ये कह रही है कि कोविड कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है, कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। तमाम जो आयोजन थे, जो 31 दिसंबर आ रहा है, तमाम जो सेलिब्रिटीज होते हैं आयोजन होते हैं उसने कहीं ना कहीं 50% कैपेसिटी के साथ ही परमिशन दी जाएगी। तमाम जो बड़े होटल है उन्हें पहले से हिदायत दे दी गई है कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। लगातार जो है जो मुंबई पुलिस है
वो बड़े बड़े होटलों में वेट कर रही है और ये और तमाम जो सेलिब्रिटीज उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 31 के अंदर जो भी प्रोग्राम है उसे कहीं ना कहीं कैंसिल किया जाए, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो अभी मुंबई और महाराष्ट्र से चला नहीं है। अगर ओमिक्रॉन की बात करें, अगर यूके जैसा स्प्रेड होता है अगर हिंदुस्तान के अंदर, तो तकरीबन रोजाना 14 लाख मरीज जो है वो सामने आ सकते हैं जाहिर तौर पर। और ये मामले एकाएक बढ़ भी रहे हैं क्योंकि पूरे देश में अभी आंकड़ा जो है वो 100 की संख्या के पार पहुंच चुका है। स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्योंकि अब पूरे देश में अगर बात की जाए ओमिक्रॉन के, तो 100 से ज्यादा ये केसेस जो है वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। बहरहाल दिल्ली की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो खतरे की घंटी अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के लिए। देखिए बिल्कुल अंजलि, दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि 20 के आसपास जो मामले हैं वो दिल्ली में जो है आ चुके हैं, जिसमें से 10 लोग जो रिकवर होकर वापस अपने जो है घर भी जा चुके हैं। लेकिन आज इस तरीके से इस ओमिक्रॉन की बात करें वो तेज गति से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें चिंताजनक बात यह है कि किस तरीके से इसको रोकथाम जो है लगाई जा सकती है। क्योंकि लोगों की बात करें तो जो बिहेवियर है लोगों का वो अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है नहीं रहा है, लोग मास्क लगाना जो है छोड़ चुके हैं। ऐसे में ये खतरा जो है लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने का जो है बना हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में कल हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई उसमें साफ तौर पर ये बताया गया कि जो विदेशों में हालात है, एक एग्जाम्पल दिया गया यूरोप का कि यूरोप में अब जिस तरीके से 80,000 केस आ रहे हैं भारत एडजस्ट करके देखें तो एक दिन में 14 लाख केस जो है भारत के वो बनते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक जो है ये वेरिएंट जो है साबित हो सकता है। दूसरी लहर में हमने देखा था कि मात्र 4 लाख के आसपास जो मामले थे वो पीक टाइम में जो है देखने को मिले थे, लेकिन जब ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तो इसमें फैलने का खतरा ज्यादा है, तो ये ज्यादा मामले जो है निकलकर सामने आ सकते हैं और इसी तरीके से हॉस्पिटलों पर भी दबाव जो है वो बन सकता है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जाहिर तौर पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और स्पर्श, खतरा इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इसके लक्षणों की अभी तक ढंग से पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार इसके जो कौन से मुख्यतः लक्षण हैं ताकि इसे पहचाना जा सके। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन नॉर्मल जो फ्लू होता है, जो फीवर होता है, उसी तरीके से जो है देखने को मिलता है शरीर में जकड़न की बात करें या फिर फीवर की बात करें। लेकिन ये वेरिएंट चूंकि तेज गति से फैलता है और जो लोग वैक्सीनेशन भी लगवा चुके हैं दोनों वैक्सीन की बात करें उनको भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में वैक्सीन लगवाना जरूरी है ताकि जो सीवियर कंडीशन है वो कहीं ना पहुंचे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मामले दिल्ली में निकलकर सामने आए उनमें से एक मामला ऐसा भी था जिनको दोनों वैक्सीनेशन लगी हुई थी लेकिन उनको भी जो है ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है वो इफेक्ट करता हुआ नजर आया था। हालांकि वो मामले बिल्कुल माइल्ड थे, उनको किसी भी प्रकार का खतरा जो है देखने को नहीं मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, खतरा अभी फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई सीवियर जो सिचुएशन है वो देखने को नहीं मिल रही है। हैदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, फिलहाल ये दो मामले तो सामने आए हैं लेकिन ये दो जो बताए जा रहे हैं, जो दो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो किन किन के संपर्क में आए हैं, क्या उन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है? देखिए अंजलि, जैसे स्पर्श शर्मा मेरे सहयोगी बता रहे थे, जो बुजुर्ग दंपति है इनको भी दो वैक्सीन लगी हुई है कोरोना की, उसके बाद भी ये ओमिक्रॉन की पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इनके संपर्क में आए हुए 35 लोगों को भी पुलिस उसने स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने जांच करी है उनकी, वो नेगेटिव पाए गए हैं लेकिन उनको भी होम आइसोलेशन कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए अंजलि, तो गाजियाबाद में स्कूल खुले हुए हैं, सब बाजार खुले हुए हैं, जिलाधिकारी जो है वो इसको इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कहीं जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं साफ तौर पर, गाजियाबाद में कब से एक महीने पहले ही दो अस्पतालों को ओमिक्रॉन को लेकर दो वार्ड इसमें स्थगित कर दिए गए हैं, इसके अंदर बना दिए गए हैं। स्थापित करने के बाद सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो जहां सार्वजनिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसको लेकर जो अनुमति दी जा रही है वो कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर का कोई प्रयोग अब नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि जब आज जो ये दो दंपति मिले हैं इससे बढ़ने का एक चांस दोबारा हो सकता है, क्योंकि जब लोग सतर्कता बरतेंगे तो ओमिक्रॉन या कोरोना भी हारेगा। अगर लोग सतर्कता नहीं बरतेंगे और लापरवाही दिखाएंगे तो जो भयावह तस्वीर दूसरी लहर में हुई थी वो दोबारा भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लोगों की सतर्कता बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारी काफी गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका, हमजद आपका और स्पर्श शर्मा आपका इस तमाम जानकारी, इस तमाम अपडेट के लिए।